Next problem, find the range of function fx is equal to 1 upon 2 cos x minus 1. तो देखिए हम अपना बेसिक अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर. बेसिक अप्रोच क्या है हमारा कि हम देखेंगे कि भाई cos x कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, accordingly 1 minus 2 cos x minus 1 कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है. तो हम जानते हैं कि cos x कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, दिस इज लेस और इक्वल टू माइनस वन और वन के बीच में वैरी करता है. तो ये हो गया. अब देखिए यहां से लगा देंगे हमको क्या लाना है, 2 cos x, तो सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो 2 cos x कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2, यानी हम सीधी सी बात करें ये, तो ये हो गया हमारा कि ये 2 cos x कहां से कहां लाई करेगा, माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में 2 cos x. अब माइनस हमको लाना है 2 cos x माइनस 1, तो माइनस 1 कर दिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 लेस और इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस 3 और 1 के बीच में लाई करेगा ये. अब देखिए अब इसका रेसिप्रोकल लेना है हमको, तो फिर अगेन यहां पर मिक्स्ड इनइक्वालिटी है, तो मिक्स्ड इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल भी हम नहीं ले सकते. क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम आइदर पॉजिटिव और निगेटिव बनाएंगे, तब रेसिप्रोकल लेंगे. तो ये कहां से कहां, देखिए माइनस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जीरो आएगा, तो इसको जीरो पर तोड़िए, तो यहां से हमारा क्या बनेगा कि दिस माइनस 3 लेस और इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 लेस और इक्वल टू कुछ भी आप कह सकते हैं, लेस देन जीरो, राइट, ये हुआ. एंड जीरो इज लेस देन 2 cos x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 1. दो यहां पर ना, देखिए एक पूरा एक्सप्रेशन ये निगेटिव में हो गया और ये पॉजिटिव में हो गया. अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. रेसिप्रोकल लेने से क्या है, देखिए ये 1 बाई जीरो है, तो 1 बाई जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एक्चुअली ये माइनस जीरो है माइनस साइड में, तो यह आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी लेस और इक्वल टू ये 2 cos x माइनस 1 और लेस और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दिस लेस और इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, राइट. देखिए क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, तो ये वाला इधर कर दिया है, ये वाला इधर कर देंगे. ऐसे करते तो 1 बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू यहां पर 1 बाई 3 लेस और इक्वल टू ये है, यहां पर ये 2 cos x लेस और इक्वल टू, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, राइट. तो ये आ गया. एंड इधर से क्या आ जाएगा, देखिए इधर से ये लेंगे तो 1 लेस और इक्वल टू इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज होगा 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन 2 cos x माइनस 1 एंड दिस इज 1 अपॉन 2 cos x माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट. देखिए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये निगेटिव इन्फिनिटी है, तो एक्चुअली हमारा ये आ गया. देयरफॉर हमारा क्या है, देयरफॉर रेंज ऑफ एफएक्स, राइट, रेंज ऑफ एफएक्स. पहले ये लिमिट क्या हो जाएगा, दिस इज देखिए माइनस इन्फिनिटी टू ये माइनस 1 बाई 3 और ये इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी देखिए लेस और इक्वल टू इंक्लूडेड है, और यूनियन ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंक्लूडेड है 1 कॉमा और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. तो दिस विल बी द आंसर. ओके, थैंक यू.